दिया है, उसके बाद आगे लिखा गया को जवाब दे है, मतलब मंत्रियों की जो मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाब दे होती है, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या संसद। तो मंत्रियों की परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा को के प्रति जवाब दे होती है। भारत का अधिनियम खाली स्थान है, डैश है, भारत का खाली स्थान है अधिनियम जंगली जानवरों पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम जो है जंगली जानवरों पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, यह जंगली जानवरों पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अवैध शिकार तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया। 2003 में जो सजा और जुर्माना था उसको और अधिक कठोर बना दिया गया संशोधन करके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है जिसके तहत जानवरों पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, जन निर्वाचित प्रत्याशी प्रणाली के अनुसार, या एकल गैर हस्तांतरणीय मत प्रणाली के अनुसार, या संपूर्ण मतदान प्रणाली के अनुसार? तो इसका आंसर होगा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार प्रावधान है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार को किस वर्ष में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था? 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगरपालिकाओं से संबंधित है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का क बनाकर 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची शामिल किया गया। इस यातायात चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ब्यूप्रोपियन, एफेड्रिन, मेस्कलाइन, कैफीन। चाय में कैफीन पाया जाता है। कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषध है। इसका प्रमुख स्रोत कॉफी और चाय है। गारो पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़िया मेघालय में स्थित है। यह गारो खासी जयंतिया रेंज का भाग है। एम.एस. स्वामीनाथन को खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया गया है के जनक के रूप में जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति, भारत में क्रांति, भारत के संविधान के जनक के रूप में, या भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन
अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया।